अभी मैं जो रोड क्रॉस कर रहा हूँ अंडर पास के थ्रू क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये है अंडर पास, एक एग्जिट ये है, नीचे फ्लावर की शॉप्स लगी हुई हैं, एक एग्जिट ये निकलता है फ्लावर शॉप, एक एग्जिट ये है, मींस चारों तरफ आपका जो एग्जिट है वो बना दिया गया है इस अंडर पास के थ्रू। तो अभी जा रहा हूँ बाहर से, चलता हूँ अब मेन मॉन्यूमेंट, वहाँ पहुँचूँगा फिर बाकी वहाँ का। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है बगल में ही है, चलते हैं देखते हैं कुछ इसमें खास मिलता है तो। सिर्फ आईफोन आईफोन दिख रहा है और मोबाइल मार्केट ही है बस। ओनली आईफोन मोबाइल मार्केट थी। इस स्टोर की फ्रेग्रेंस अच्छी है और इलेक्ट्रॉनिक है, बट मेजरली यहाँ पे मोबाइल स्टोर ही है ज़्यादातर, मोबाइल फ़ोन कवर एसेसरीज यही सब मिलेंगे। फ़िलहाल दो ही फ्लोर तक है, तीसरा फ्लोर खाली है, कुछ खास है नहीं। सेकेंड फ्लोर पे क्लोथिंग का है, एसेसरीज का है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बुखारा समरकंद की तरह ही, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है ऐसी। क्रॉकरी आइटम तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। दीज आर ऑल बैचेस। ये सोवियत टाइम का सारा कुछ जमा किया गया है, बैचेस है, टीवी है। कुछ खास नहीं, मोबाइल फ़ोन अगर आपको परचेज़ करना है तो आप कर सकते हो। कैमरे का तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ ये खंजर लगे हुए देखो बस। कुछ खास है नहीं सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, फ़ोन्स वगैरह ले सकते हो, फ़ोन के लिए है, एसेसरीज़ है, क्लोथिंग है, क्लोथिंग एसेसरीज़ है, और रूम डेकोरेशंस है, जैसे वॉल आर्ट है, ठीक है, वॉल डेकोरेशंस है। तो नीचे जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। पूछते हैं किसी से कैमरा से रिलेटेड कि कैमरा की एसेसरीज़ हैं कि नहीं है। हेलो, डू यू स्पीक इंग्लिश? Is there any GoPro accessories? There, over there. Down, sir? Yes. बोलते रहे, नीचे है, देखते हैं GoPro की। Endura बैटरी अगर मिल जाती है तो मैं ले लूँगा, आप जितना खर्चा हो रखा है ट्रैवल करते वक्त तो खरीदे, क्योंकि बार बार वो उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह है भी नहीं है, तो पूछना पड़ेगा। इसमें सारी दिख रही हैं बट GoPro का मुझे नहीं लगता ये कुछ मिलेगा, बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। परफ्यूम का भी है यार, वहाँ पे परफ्यूम भी लगे हुए थे, पता नहीं पता, रिक्रिएशन का नहीं है, उनको खुद के ब्रांड्स लग रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा, गेमिंग का सिर्फ एक ही काउंटर मिला। लेट मी चेक ओवर हियर, डू यू स्पीक इंग्लिश? नो, यस यस। GoPro बैटरी? हां, बैटरी 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 GoPro। तो यार मिला तो कुछ नहीं, वो कहीं पे जा रहे थे ऑफिस पे चेक करने के लिए यार, तो इतना टाइम नहीं है, बट दिस इज द एंड। मेजरली फ़ोन्स के लिए है बस और कुछ नहीं, फ़ोन लेना हो तो ले लो, बैटरीज आपकी है, एसेसरीज़ है और एयरपॉड्स है।
वॉच एसेसरीज हैं, चेक करते हैं इसमें। Do you speak English? Chut chut. Recreation? Yes. Recreation ही है, चेक करता हूँ मैं इस कॉल का। For this and this. And ml? 100 ml. 100 ml की सारी बॉटलें हैं, तो ये इनका खुद का है 100 ml. प्राइस पूछ रहा हूँ कितना अमाउंट चल जाएगा अभी। स्मॉल ओके 150 सोमोनी का पड़ेगा आपको, यानी कि 1140 रुपये में 100 ml, और 50 ml आपको पड़ेगा 700 रुपीज़ का। कोई भी आप लोग हैं तो प्राइस फिलहाल यही है, बाकी चेक करता हूँ कुछ समझ में आएगा तो। तो भाई बाहर निकल रहे हैं, फ्रेग्रेंस का मैंने चेक कर लिया, नोट्स उनको दे के भी वो बना नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। सो बस यही था, 50 ml बॉटल आपको 760 की पड़ रही थी, अराउंड 100 सोमोनी की, और 150 सोमोनी पड़ रहे थे आपके 100 ml के, जो कि पड़ते हैं 1140 रुपये। कन्वर्जन रेट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरे पास में एक्स ई कन्वर्टर एप्लीकेशन है उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये लमसम रेट पड़ेगा आपको। बस चलता हूँ नेक्स्ट मोन्यूमेंट पे। आपको जो पार्लियामेंट है वो उसके पास में आ रहा हूँ, नए वाला पार्लियामेंट के पास में, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। नए वाला जो पार्लियामेंट इनका है ताजिकिस्तान का, मैं उसके पास ही हूँ, ये सामने दिख रहा है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँगा जहाँ पे आपका वाटरफॉल है, वाटरफॉल वो मैन मेड है। सो इस बैंक का मैं आया था, ओरियन बैंक सामने लिखा है, ये इसमें तो पैसे नहीं मिले थे बट करेंसी एक्सचेंज हो गई थी, तो 20 ताजिकिस्तानी सोमोनी मिले थे। यहाँ पे पार्क हैं बहुत सारे, पार्क आपको हर जगह मिल जाएंगे सेंट्रल एशिया में पूरे में, जहाँ आप जाओगे वहाँ पार्क मिलेंगे, घर के बाहर, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के बाहर, रोड पे, मतलब जगह जगह पे पार्क ही पार्क हैं। इतना ज़मीन खाली पड़ा है भाई, इतना स्पेस खाली पड़ा है पूछो मत। सेंट्रल एशिया में जो छोटे से छोटी कंट्री भी है ना, वो भी इतनी बड़ी है लोगों के लिए कि लोग ही वहाँ पे कम रहते हैं, सोचने वाली बात है। और कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा एज पर द लैंड जो एक्वायर करता है एरिया, सबसे बड़ी कंट्री है, रशिया को अलग कर दो आप, रशिया से मतलब नहीं है, सेंट्रल एशिया में स्तान कंट्रीज़ में सबसे बड़ी कंट्री जो है कजाकिस्तान की है भाई, बहुत ह्यूज है। पूरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, लोग पैचेस में रहते हैं सिटी सिटी वाइज, यानी कि एक सिटी में बन रह रहे हैं, फिर आगे तक खाली पड़ा हुआ चारों तरफ से मैदान, फिर आगे जाकर कोई सिटी बसी हुई है, तो ऐसे वहाँ पर रहते हैं लोग। सिम सारा तरीका सारा फॉर्मेट यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। देखते हैं कोई कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफिस है तो यहाँ पे कैमरा वमरा अलाउड है कि नहीं अलाउड है, एक दो गार्ड हैं यहाँ पे। और ये है पार्लियामेंट ऑफिस, सी ये इसके सामने का पार्क है। पार्लियामेंट स्प्रेड कम है बट ह्यूज ज़्यादा लगा रखा है, ह्यूज मतलब हाइट में बना रखा है पार्लियामेंट को। दो चीज़ें कवर हो गई हैं यहाँ पे, देखो इसीलिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं पुलिस वालों की सिक्योरिटी के लिए। फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ, कहीं से देखता हूँ फ़ोटो हो पाती है कि नहीं हो पाती है, और जो ट्रैफिक पुलिस है वो कैसी दिखती है वो भी देख लो भाई, और जिनकी ट्रैफिक पुलिस देख लो, और कार्स जो है भाई मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ कौन सी क्लास है, ये ई क्लास है, देखो BMW और वो चल रही हैं। दिस इज़ द ऑफिस एरिया, के सामने दो मर्सिडीज़ खड़ी हैं, तीन मर्सिडीज़ खड़ी हैं, एक BMW आ चुकी है। सो ये है पार्लियामेंट, अंदर चल के देखते हैं कुछ है कि नहीं है, यहाँ से फोटो मिलती कि नहीं मिलती है। रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, पुलिस वाले यहाँ पर भी चेक करते रहते हैं बीच बीच में,
पार्क से ही कुछ फ़ोटो मिलेगी ढंग की, थोड़ा दूर जाके जंगल एरिया से हटेंगे तब। तो मैं फिर से आ गया हूँ स्टैचू के पास में, इस्माइल सोमोनी के। इस्माइल सोमोनी यहाँ के पुराने किंग हुआ करते थे और ताजिकिस्तान मॉडर्न वर्ल्ड के हीरो भी हैं, सो इसलिए इनका स्टैचू आपको यहाँ पे दिख जाएगा बना हुआ। और सिर्फ स्टैचू ही नहीं, इसके साथ में ये जो सराउंडिंग बनी हुई है ना, वॉल जो बनाया गया है, ये इसमें गोल्ड का यूज़ किया गया, और जो ऊपर क्राउन है वो पूरा प्योर ताजिक गोल्ड से बनाया गया है। सो क्राउन आप चेक कर सकते हो, उसमें पूरे का पूरा गोल्ड यूज़ किया गया है, जिनके नाम पे ही करेंसी रखी गई है सोमोनी, और इनके नाम पे आपको सारे स्टैचूज जो हैं और भी आपको आसपास में देखने को मिल जाएंगे। और एक फ्लैग पोल है, वाटरफॉल है, यही सब चीज़ें हैं देखने के लिए। इसके बाद मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ हाउ इट लुक्स। अमेजिंग है, जो आर्किटेक्चर बनाया गया ना वो बहुत अच्छा है। स्टैचू को जो ना फ्रेम किया गया ना वो बहुत प्यारा है, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ये जो फ्रेम मैंने जो गोल्डन कलर यूज़ हुआ है उसमें देखो, नीचे की तरफ ब्लैकिश ब्लैकिश सा टोन आ रहा है, बट ऊपर जो है ना वो सिमिलर टोन है और लाइट टोन है जो क्राउन है, और क्राउन ही बना हुआ है गोल्ड से। सोचने वाली बात है भाई, कितना बड़ा ह्यूज क्राउन है भाई, सोने का, पूरा सोने का बना हुआ है। किसी को क्राउन मिल जाए वो तो भैया राजा बन जाएगा। तो एक बार सामने से आपको दिखा देता हूँ, और ये उसके सामने ही है आपका पार्लियामेंट ऑफिस, जो नया वाला पार्लियामेंट ऑफिस है। और ये जो हाथ में आप हथियार कह लो या फिर जो भी इन्होंने होल्ड किया हुआ है वो भी सोने का ही है, इट इज़ मेड ऑफ ताजिक गोल्ड। अगर आप ताजिकिस्तान में आते हो सो दिस इज़ द मस्ट प्लेस टू विजिट, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न ताजिकिस्तान विद देयर हीरो विच इज़ कॉल्ड एज इस्माइल सोमोनी। सो सामने से लेके देखता हूँ, फ़ोटो आपको दिखाता हूँ पूरी, फिर चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। एक सेंटर में क्लॉक टावर लगा हुआ छोटा सा, फ़ोटोज़ खींचने के लिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस लुक्स, क्राउन देख रहे हो कितना बड़ा है। सी सो कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ काम की चीज़ें। ये स्टैचू के जस्ट पीछे जो है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ताजिकिस्तान है। सो भाई लाइब्रेरी तो मुझे ज़्यादा ह्यूज दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से तो बड़ा ही है लिटरली। सी ये रहा लाइब्रेरी और वो रहा पार्लियामेंट उस साइड पे। पता नहीं क्यों मतलब छोटा साइज रखा गया, आई डोंट नो, बट ये मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और सारे जगह पे फाउंटेंस लगे हुए हैं, हर एक पार्क में हर एक जगह पे आपको फाउंटेंस मिल जाएंगे लगे हुए लाइन से। और एक वो स्ट्रक्चर है जो सामने पोल दिख रहा है वो है इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट, सामने जो पोल आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं फ्लैग पोल और फिर वाटरफॉल जो कि आर्टिफिशियल है यहाँ पे, सब वो आपको दिखाते हैं। ये रात में ना मोस्ट पर भी सारे सेंट्रल एशिया में जितनी भी वाटरफॉल्स है लाइट्स है ना वो आपको रात में जलती हुई दिखेंगी और बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि देख रहे हो आप ये लाइट्स जो लगाई गई हैं पोल पे, देख रहे हैं एक से एक हैं, मतलब जब जलेंगे तो खूबसूरत ही लगेंगी, बट देखते हैं रात में कितनी लाइट्स और जलती हैं कितनी नहीं जलती हैं। मुझे यहाँ से खुजांद भी जाना है, सो देखता हूँ खुजांद का क्या सीन है, जा पाता हूँ नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कुछ गड़बड़ी लग रहा है और मेरे पास लिमिटेड टाइम है आने जाने के लिए। सो मैं ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता हूँ कि मैं बीच में कहीं स्टक हो जाऊँ। सो जो कुछ मैं जो फूल दिखा रहा था ये गोभी की तरह है यार, पूरे तो खिले हुए, और ये हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं इनके पास में, जहाँ जहाँ इनके मेन मेन मॉन्यूमेंट्स हैं ना वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कौन से फूल है क्या है पता नहीं, खूबसूरत लग रहा है वैसे। नीचे मैं आ गया हूँ इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के, और यहीं से क्रॉस करके मुझे वाटरफॉल की तरफ जाना है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है देख लो, ओपन पार्क है, एंट्री मेंट्री फीस वगैरह कोई तीन जाम नहीं है, सिंपल सा चीज़ दिया हुआ है बस। सामने की तरफ है वाटरफॉल, वाटरफॉल पे चलते हैं। पीछे आप देख लो जो मॉन्यूमेंट है
साइज में पूरा आ गया फ्रेम में। सो ये है, देख रहे हो ज़मीन कितनी खाली पड़ी हुई है जगह जगह पे, सिर्फ पार्क ही पार्क है, पार्क ही पार्क हैं, बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि ठंड की वजह से ना जुबान लड़खड़ा रही है। और हर जगह पे फाउंटेन्स बना रखे हैं, सिटिंग एरिया है, डस्टबिन रखे हुए हैं, हर एक चीज़ है। देख लो एक बार फिर से साथ में काम हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं फाउंटेन एरिया के पास में, वहाँ पे फाउंटेन अगर है, वाटरफॉल, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। वाटरफॉल अभी वहाँ पे है, बंद है, चल रहा है नहीं चल रहा है देख के मालूम चलेगा। चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। सो भाई ये रहा मैन मेड जो आपको ये दिख रहा है वाटरफॉल, जो अभी इस समय सूखा पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ से आपको शहर का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कैसा शहर है क्या है। देख रहो ये बगल में स्टेडियम है, मतलब जगह ही जगह पे ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, कुछ नहीं पड़ा है भाई, बस पब्लिक के लिए बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। और यहाँ पर भी देख लो पूरा ओपन एरिया पड़ा हुआ है सामने इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के। बट यार अगर इसको बनाया तो चालू रखना चाहिए था ना। उतर के चलते हैं नीचे, तो कुछ अभी सामने तो है नहीं, वाटरफॉल सूखा पड़ा हुआ है फिलहाल, कुछ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता वो भी देखते हैं सामने से कैसा है वाटरफॉल। सनसेट हो रहा है, मस्त सूरज दिख रहा है सामने। सो दुशानबे में यही सारी चीज़ें हैं, शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब आप मैप जूम करोगे ना तो मतलब जूम करते ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया में मोस्टली शहर ऐसे ही हैं, क्योंकि वो सब पैचेस में बसे हुए हैं, कोई इतनी बड़ी सिटी नहीं है कहीं पर भी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक्सप्लोर करने में। मैक्सिमम आप 3 दिन अगर आप रखते हो किसी भी एक सिटी के लिए बहुत है, वो भी आराम से आपको एक्सप्लोर करने के लिए बता रहा हूँ। 3 डेज इज़ इनफ फॉर 1 सिटी, बट मैंने तो भाई सारी सिटी एक से दो दिन में ख़त्म कर दी हैं। जो मेन मेन मॉन्यूमेंट्स है, जो मेन मेन प्लेसेस थे वो विज़िट कर लिए, बट अब जो बचते हैं कुछ हिडन प्लेसेस तो वो आपको भाई थोड़ा सा हट के जाना पड़ता है, सो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो भाई 5 दिन दो, 5 दिन से ऊपर नहीं, क्योंकि 5 दिन इनफ होते हैं एक सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए प्रॉपर। सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वाटरफॉल। यार जब बनाया था वाटरफॉल तो चलना चाहिए था ना, बंद क्यों कर रखा है। सी देखने में खूबसूरत लगता है, बट लोगों ने क्या किया यार, बंद कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ यहीं का ही नहीं बता रहा मैं, हर एक कंट्री में आपने कोई चीज़ अगर पब्लिक के लिए बना रखी है, पब्लिक के लिए भी नहीं है, अगर उसमें पैसा वेस्ट किया भाई तो गवर्नमेंट चेंज होने पे, प्रेसिडेंट चेंज होने पे उसका देख रेख नहीं होता, पता नहीं क्या ड्रामा है। अभी बताओ इतना बड़ा वाटरफॉल बना रखा है, बंद पड़ा हुआ है, किसके अंडर में है किसके अंडर में नहीं पता नहीं, बट बंद पड़ा हुआ है, पैसा वेस्ट किया खाली पड़ी बिना वजह, यही है भाई साहब। अब ये गार्डन है देख लो खूबसूरत लग रहा है, जब यहाँ पे अगर बर्फ़बारी हो तो ये जो पेड़ है ना इन पे बर्फ़ इतनी खूबसूरत लगेगी ना कि कोई अंदाज़ा नहीं आपको। सी चलता हूँ फ्लैग पोल पे, पोल ऑफ फ्लैग पे,